वो लाइन की इक्वेशन होती है, इतना फंडा चाहिए ही नहीं, टाइम थीटा लगा के आंसर आएगा, जरूरत ही नहीं है। चलें आगे करें, काम शुरू करें। कुछ डिस्टर्बेंस ही लग रही है मुझे वहाँ पे। ठीक हो? ठीक। देखो जो हमने अभी काम किया है ना, इसके बेस पे कुछ प्रूफ्स हैं। चार इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, और s इज इक्वल टू वी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। तो इसको प्रूव करने को आ सकता है। इससे पहले का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो तो एक नंबर में आएगा। कोई भी जैसे स्कूल का टीचर दे देगा, ग्राफ बना देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसकी वेलोसिटी निकाल दो, एक्सीलरेशन स्लोप पूरा निकाल देना, आंसर आ जाएगा। जो डेरिवेशन हैं, जो प्रूफ्स हैं, वो ऐसे आते हैं पेपर में। अब ये पेपर में आने वाली चीज़ है प्रूफ्स, स्कूल के पेपर में। तो आप कहोगे फिर वो इतनी डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव शीट्स भी करनी है। ऑब्जेक्टिव का कुछ नहीं पता वो क्वेश्चन कहाँ से देगा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर काम करता है वो, और ये नहीं पता कि वो कहाँ से उठा के क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें हर चीज़ को डिस्कस करना पड़ता है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था, अदरवाइज तो यही यहीं से शुरू कर सकता था मैं। बट हमने पूरा डीप उसमें स्टडी करना है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा मैं मालूम होगा उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस का प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस इज इक्वल टू वी टी कब लगती है? जब वेलोसिटी क्या रहती है बॉडी की? कॉन्स्टेंट। तो आपने वही ग्राफ बनाना है जो बहुत देर से मैं डिस्कस भी करता आया हूँ, कि ये एक बॉडी है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो बॉडी की वेलोसिटी वी, थोड़ी देर के बाद भी वी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन, यहाँ पर कितना है एक्स टू, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एस। तो हमने थोड़ी देर पहले इसका ग्राफ प्लॉट किया था, सेम ग्राफ है ये। देखो ए पॉइंट आया था हमारा एक्स वन, यहाँ पर याद करो बी पॉइंट आया था, तो ये कितना था एक्स टू, और लाइन ज्वाइन की थी एक्स टू माइनस एक्स वन और टी टू माइनस टी वन। तो ये हमने ड्रॉ किया। तो इसके अंदर कि यहाँ पर मान लो ये एक्स वन पॉइंट है, जब इनिशियल बॉडी यहाँ पर है, जब फाइनल बॉडी आ गई तो एक्स टू पॉइंट है, एट टाइम टी टू इज इक्वल टू टी सेकेंड। तो इसमें कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ मैं? एक्स टी। एक्स टी ग्राफ की स्लोप अगर हम निकालें तो क्या आएगी? वेलोसिटी। तो बोलो स्लोप क्या होगी इसकी? एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, ये लिख लिया। और स्लोप क्या है इसकी? वेलोसिटी। एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है? एस। और टी टू कितना था? जीरो। टी वन कितना है? टी टू कितना है? टी। टी वन कितना है? जीरो। तो क्या आ गया? एस अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी। तो एक मिनट में प्रूव हो गया, और ये चीज ऑलरेडी हम प्रूव कर भी चुके हैं पहले, सेम ही तो ग्राफ है, सेम ही तो रिजल्ट है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कि यहां पर अगर प्रूव करने को आए एस इज इक्वल टू वी टी, तो आपने ये डायग्राम बनाना है, आपने ग्राफ बनाना है, और फिर एक ही लाइन लिखनी है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप निकालें और इसको एस पुट करें, इसको टी पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर। अब जैसे प्रूव करना है, टू प्रूव वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफिकल मेथड, तो एक काम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, एट टाइम टी वन इज इक्वल टू जीरो से टी टू इज इक्वल टू टी। तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? एस। तो अगर मैं इसका वी टी ग्राफ प्लॉट करूं, जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने प्लॉट किया था, कि ए पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी यू है, और टाइम टी सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर कितनी है? वी है। तो यहां से ए से लेके बी तक ग्राफ क्या बनेगा? ये बनेगा, तो सेम ग्राफ है। और ये क्या था? वी माइनस यू, ये क्या है? टी। इसमें कौन सा ग्राफ है? वी टी ग्राफ है। वी टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? स्लोप बोलो वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये रहा वी माइनस यू, ये रहा टी। टी इधर चला गया ए टी, यू इधर आ गया, तो बोलो क्या आया? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपने कुछ नहीं करना, ग्राफ लिखना है, ग्राफ प्लॉट करना है, स्लोप लेनी है बीटी ग्राफ की, जो कि एक्सेलेरेशन देगी, अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? फिर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ रिमेनिंग द सेम, कोई ग्राफ में चेंज नहीं,
इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना है एस, बोलो रिजल्ट क्या किया। वीटी ग्राफ का जब एरिया निकलेगा, ये ग्राफ है ए बी, इसके अंडर एरिया का शेडेड एरिया, अगर मैं ये शेडेड एरिया निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एस। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है बोलो, ये यू है ये टी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा यू टी, यू इन टू टी, कोई डाउट इसमें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या यू इन टू टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इन टू बेस, बेस कितना है ए सी, ए सी बोल रहे हैं, और हाइट कितनी है बी सी, इसमें वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हाफ इन टू ए सी इन टू बी सी। ए सी किसके इक्वल है टी, तो ए सी की जगह क्या पुट कर दिया टी। बी सी की जगह पुट तो कर सकता हूँ वी माइनस यू, पर फायदा नहीं क्योंकि मेरे को प्रूव में आई नहीं रहा वी माइनस यू। तो एक काम करते हैं बी सी को बी सी रहने देते हैं। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल टाइम पुट कर लिया, बी सी नहीं पुट किया। अब आप मुझे ये बताओ कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ आपको क्या देती है एक्सेलरेशन, क्या है स्लोप बोलो, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। इसकी जो स्लोप है टैन थीटा वो क्या है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो ये देखो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन इज बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, और ए सी किसके इक्वल है टी, तो स्लोप ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय टी। क्या ये स्टेप क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी क्या आ गया ए टी, इस बी सी को उठा के यहाँ पुट कर दिया क्या आ गया ए टी, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया, दो रिजल्ट लिए, पहले हमने क्या किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया, इसके अंदर ए सी की जगह टी पुट कर दिया। अब क्या पुट करना है बी सी, बी सी पुट करने के लिए स्लोप क्या है ए, स्लोप क्या है बी सी बाई टी, बी सी बाई टी, तो बी सी क्या आ गया ए टी, यहां पुट करके आंसर आ गया राइट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड अगेन, तो इसको प्रूव करने के लिए डायग्राम प्लीज फिगर जब पेपर में आएगा सेम ड्रॉ करना, सेम डायग्राम है, बस फर्क ये है इस बार जो हम एस निकालेंगे वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकाल देंगे। अभी जो पिछले प्रूफ में हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया, उसमें एरिया कैसे निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर अगर आपको प्रूव करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बोलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बोलो ये साइड कितनी है यू और ये पूरी की पूरी साइड कितनी है वी, तो क्या बनेगा हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस कितने ए सी, डिस्टेंस इज ए सी। तो ये लो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू ए सी, क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और डिस्टेंस को मैंने टी लिखने की बजाय ए सी पुट कर लिया। रीजन मुझे एक बात बताओ, इसमें जो स्लोप है वी टी ग्राफ वो क्या है एक्सेलरेशन, क्या होगी स्लोप बोलो, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए सी, तो ए सी एक तरफ ए नीचे चला गया, तो यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए। बी सी बताओ किसके इक्वल होगा, ये वी माइनस यू, बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो यहाँ पर बी सी की जगह पुट कर लिया वी माइनस यू। ये जो ए सी निकाला इस ए सी को यहाँ पुट किया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू और a इधर चला गया तो टू ए एस, तो क्या आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो कुछ नहीं किया, एरिया दोनों चाहे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो चाहे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस हो, दोनों में एरिया निकलेगा, एरिया के साथ स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो चाहे ऊपर वाला प्रूफ हो चाहे नीचे वाला हो, तो हो जाएगा ये प्रूफ। हाँ अगर आप कोई और मेथड यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम आना चाहिए, कर सकते हैं, मैंने ये किया। अगर आप कोई और मेथड जानते हैं जिसे आप इजीली प्रूव कर सके आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर सेम निकालना है, ठीक है। यहाँ तक जो मर्जी वैल्यू पुट करें डायग्राम देके चलेगा। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, यस ठीक।
मैं हमेशा बोलता हूँ ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। जो अगला लेक्चर है ना, उसके अंदर ये हमेशा आता है। ऐसे ये जो चार इक्वेशंस हैं, इनके फिर से